पिछले 4 माह से दमन पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा शातिर अपराधी सुरेश जगुभाई पटेल उर्फ सूखा पटेल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आपको याद दिला दें कि 21 अक्टूबर 2019 के दिन दमन पुलिस की एक टीम सुरेश पटेल से किसी मामले में पूछताछ करने दमन जिला पंचायत कार्यालय पहुंची थी, लेकिन सूखा पटेल एक शातिर अपराधी के माफिक अपने ड्राइवर रमेश पटेल के साथ वहां से भाग गया था। हमने उस वक्त भी आपको इस खबर से रूबरू करवाया था। दरअसल सूखा पटेल के अलावा उसके अन्य साथियों पर अजय रमन पटेल उर्फ मांजरा एवं धीरेंद्र पटेल उर्फ धीरू की निर्मम हत्या करने पर मामला दर्ज हुआ था। हालांकि सूखा पटेल इस केस का मास्टरमाइंड था। उसके फरार होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। दमन पुलिस ने टेक्निकल एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग कर 24 फरवरी को सूखा पटेल और उसके साथी पंजाब के मोहाली में छिपे होने का पता चलते ही अत्यंत सूझबूझ और बहादुरी के साथ इन कुख्यात आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे में आज दमनदीव पुलिस विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस पूरे मामले से मीडिया को अवगत कराया गया। दमन पुलिस ने 24 फरवरी 2020 को यानी कल सुरेश जग्गू भाई पटेल को अरेस्ट किया है और उसके साथ ही उसके एक साथी जो पहले से वांटेड था सलीम चौधरी एलियस साजिद अली को भी अरेस्ट किया है। ये दोनों डबल मर्डर केस जो हुआ था 2018 में FIR नंबर 39/2018 उसके अंदर वांटेड थे। सलीम चौधरी के ऊपर पहले भी इनाम घोषित था और वो पिछले लगभग पौने दो साल से वांटेड था इस केस के अंदर। और तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सुरेश पटेल के बारे में पता चला कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में, इस षड्यंत्र में शामिल है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाने के लिए जब हमारी टीम के कुछ सदस्य गए थे ज़िला पंचायत के दफ्तर में, वहाँ से वो फरार हो गया था। तब से पिछले 4 महीने से हमारी टीम जो थी दमन पुलिस की, उसने निरंतर और अथक प्रयास के बाद, 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, कल सुरेश पटेल को मोहाली पंजाब से अरेस्ट किया है। और वहाँ पर हमारी टीम के साथ जब हमारी टीम के मेंबर सदस्य उसको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे तो उनके साथ हाथापाई की इसने और इसके कुछ साथियों ने, इसको छुड़ाने की कोशिश की। उस दौरान इन्होंने हमारे टीम के सदस्य की जो सरकारी पिस्टल थी वो छीनने की भी कोशिश की। उस छीना झपटी में एक गोली चली है जिससे कि सुरेश पटेल के साथी, जिसका नाम पता चला है कि तुषार है अभी तक प्राथमिक तौर पे, उसको घुटने में गोली लगी है, उसका अभी इलाज जारी है। और अभी मोहाली पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है और वहां पे उनको अरेस्ट किया गया है। कौन सी धारा में अरेस्ट किया सर उनको वहां पे? मोहाली पुलिस ने धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 186, 353, 332, 224, 225 IPC के तहत केस रजिस्टर किया है और उसमें इनको अरेस्ट किया है। जिस दिन सुरेश पटेल जिला पंचायत ऑफिस से भागा है, उस दिन उसके घर से एक हथियार बरामद हुआ था जिसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर हुआ है। उसके बाद ये जानकारी मिली कि उसका जो पासपोर्ट था वो भी फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बनाया गया था। वो पासपोर्ट भी पासपोर्ट ऑफिसर ने कैंसिल किया है और उसमें भी एक FIR दर्ज हुई है। और अभी आर्म्स एक्ट वाले केस के अंदर और तफ्तीश जारी है। उसका पासपोर्ट किस एड्रेस का था सर? फर्जी के साथ मुंबई के एड्रेस का।